हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सो मैं केशव कल्याणी एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रीजनिंग विद केशव कल्याणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है। सो अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय कार्य यानी बॉडमास का आगे का डिस्कशन को टेकअप करते हैं, ठीक है? फोर्थ क्लास है इसका। इसके पहले मैंने तीन सेशंस आप लोग के साथ बॉडमास के ऊपर कंडक्ट करवाया था। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो उन सेशंस को जरूर देखें। बहुत ही छोटा छोटा बारीकी जो बॉडमास के चैप्टर में गलती होता है और कॉन्फिडेंस के साथ होता है, वो मैंने यहां पे टच करने का कोशिश किया, ठीक है? सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जरूर देखिएगा एक बार वो सेशन। अब हम लोग आगे का डिस्कशन को टेकअप करते हैं। रीजनिंग में किस टाइप का और क्वेश्चंस पूछा जाता है हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है? टाइप टू करके मैं यहां पे अब आप लोग के साथ मैं डिस्कस करवा रहा हूं। क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा। रीजनिंग में कैसे पूछा जाएगा बॉडमास के ऊपर क्वेश्चंस? यहां पे देखिए कि अगर सपोज मान लो प्लस का मतलब डिवाइड होता है, इनटू का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब इनटू होता है, ठीक है, एंड डिवाइड का मतलब प्लस होता है, तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका क्या मतलब है, ठीक है? आपके सामने यहां पे एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया होगा। ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने अपियर हुआ है। अब जहां पे प्लस का साइन यूज हुआ है वहां पे आपको क्या करना है, डिवाइड से रिप्लेस कर देना है, ठीक है? जैसे यहां पे मैं एक्सप्रेशन को चेंज करता हूं, 38 प्लस यूज हुआ था, प्लस के बदले आ जाएगा डिवाइड 19। जहां पे माइनस का साइन यूज हुआ है उसको रिप्लेस कर दोगे आप इनटू से, तो माइनस के बदले आ जाएगा इनटू। जहां पे इनटू का साइन यूज हुआ है वहां पे आप रिप्लेस कर दोगे माइनस के साइन से कि -17, एंड जहां पे डिवाइड का साइन यूज हुआ है वहां पे आप प्लस कर दोगे +3, ठीक है? और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, मतलब एक एक्सप्रेशन जो आपके सामने दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि जहां जहां प्लस यूज हुआ है वो प्लस नहीं है, उसका मतलब डिवाइड है। जहां इनटू यूज हुआ है वहां एक्सप्रेशन में इनटू का मतलब माइनस है, जहां माइनस यूज हुआ है वहां इनटू करना है, और जहां पे डिवाइड का साइन यूज किया गया है एक्सप्रेशन में उसके बदले आपको प्लस करना है, रिप्लेस कर देना है। तो उसके बाद आपको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा बात है। आपने जब साइन चेंज कर दिया अब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान रखना है कि पहले आप क्या करोगे, डिवाइड, इनटू, माइनस या प्लस। बॉडमास का रूल इनबिल्ट है, आप लोग सबसे पहले यहां पे डिवाइड करोगे। सो 38 डिवाइडेड बाय 19 सबको मालूम है। 38 डिवाइडेड बाय अगर 19 मैं बोलूं तो आप सबको मालूम है क्या होता है, इसका मतलब 2 होता है। 19 टू जा 38। अब उसके बाद बाकी को पूरा सेम लिख दो, 2 इंटू 16 माइनस 17 प्लस 3, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इनटू आएगा। तो 16 इनटू 2 क्या होता है, 32। 32 माइनस 17 प्लस 3। अब उसके बाद क्या होगा,
प्लस करोगे ना तो प्लस का 32 प्लस का 3 क्या होता है 35, और 35 में से 17 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 18, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना है, एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा जिसके ऊपर आपको ये बता देगा कि जहां जहां प्लस यूज किया हुआ है वहां डिवाइड करना है, जहां पे इंटू यूज किया वहां माइनस, जहां माइनस यूज किया वहां इंटू, और जहां डिवाइड यूज किया उसका मतलब प्लस होता है। तो आपको साइन चेंज करके वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं। क्या बोला गया है? इफ ए मीन्स प्लस, ठीक है, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स इनटू, एंड डी मीन्स डिवाइडेड बाय, तो आपको क्या फाइंड करना है? 18, सी 14, ए 6, बी 16, डी 4। क्या होगा? 18 सी 14 ए 6 बी 16 डी 4, इसका क्या होगा? मतलब आपके सामने अगेन एक एक्सप्रेशन रख दिया गया, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने रख दिया गया जिसके लिए पहले से बता दिया गया था कि जहां पे ए का साइन इस एक्सप्रेशन में यूज किया गया है, ए लिखा गया है, उसको आप रिप्लेस कर दोगे प्लस के साथ। ठीक है, मतलब एक बार मैं एक्सप्रेशन को अगर कॉपी करूं, 18 यहां पे, 14 यहां पे, 6 यहां पे, 16 और यहां पे 4, तो a जहां पे यूज हुआ था, a 14 के पास में यूज हुआ था, अब उसको आप कैसे चेंज कर दोगे? प्लस के साथ चेंज कर दोगे। जहां पे b यूज किया गया था वहां पे माइनस कर दोगे, जहां पे c यूज किया गया था वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और जहां पे d यूज किया गया था वहां पे आप डिवाइड कर दोगे, और उसके बाद आपको वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले आपको मालूम है डिवाइड होगा तो 16 बाई 4 क्या होगा? 4। बाद बाकी पूरे एक्सप्रेशन को आप सेम रखोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, 18 इंटू 14 अगर मैं करूं तो क्या आएगा आपका आंसर? आंसर आएगा 252, क्योंकि पहले अब मल्टीप्लाई होगा, 252 आएगा। अब उसके बाद आप प्लस 6 करो, माइनस 4 करो, बाद बाकी पूरा सेम रहेगा। उसके बाद 252 प्लस 6 क्या होता है? 258 में जब आप माइनस 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 254, दैट इज करेक्ट। बताओ क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। नोट्स प्रॉपर आप लोग मेंटेन करिएगा, जब तक नोट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, सो नोट्स आप लोग को प्रॉपर मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, सेम ऊपर वाला चीज सेम था। अब सॉल्व करना है आपको, एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है? एक्स का आपको वैल्यू निकालना है। अगर ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब इंटू है, डी का मतलब डिवाइड है, तो आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 100 डी 20 सी 3 ए 10 बी 5, आप x का वैल्यू सामने निकाल के बता दीजिए। 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास। किनार में लिख लिया करो,
ए जहां जहां पे आएगा क्या मतलब है, प्लस करोगे। बी जहां पे आएगा क्या करोगे, माइनस। सी जहां पे आएगा क्या करोगे, इनटू। और डी जहां पे आएगा क्या करोगे, डिवाइड। यही करना है, ये लिख लो, बचपन का याद आ गया। क्लिटर पेन यूज करते थे ना, क्लिटर्स यूज करते थे, वही वाला याद आ गया मेरे को। चलो एक बार कोशिश करते हैं, अगर इससे बन पा रहा है तो। चलो तो पहले तो साइन चेंज करते हैं, 100। बाप रे बाप, गंदा लग रहा है। चलो कोई नहीं, यही वाला बेटर है, थिकनेस ये वाला ले। चलो तो 100, यहां पे 20, यहां पे 3, यहां पे 10 और यहां पे 5। अब जहां पे डी आया, डी के बदले क्या लिखोगे, डिवाइड लिखोगे। सी के बदले क्या लिखोगे, इनटू। ए के बदले प्लस और बी के बदले क्या लिखोगे, माइनस। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में क्या चीज आएगा, डिवाइड आएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे तो 25 सा 100 होता है, 5 आएगा ना। अब 5 इंटू 3 प्लस 10 माइनस 5 किया, अब उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा तो 15, 15 करा, 15 करने के बाद प्लस 10 माइनस 5 तो क्या होगा, 25, और 25 में से 5 गया तो क्या आएगा, 20। ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टेप बाय स्टेप करना है, बस बॉडमास का रूल अगर आप लोग को मालूम है तो उसके बाद कोई दिक्कत आप लोग को फील होगा नहीं, कोई दिक्कत आप लोग को महसूस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, इफ टी मीन्स इनटू, यू मीन्स व्हाट, माइनस, वी मीन्स डिवाइड एंड डब्ल्यू मीन्स व्हाट, प्लस। तो आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन आपके सामने रखा गया है। चलो सॉल्व करो, तो सॉल्व करिए आप लोग सारे, कोई आंसर फाइंड आउट करो। मैं आपको इसका ऑप्शन भी बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए है 142, बी है 158, सी है 137 और डी है 163। आंसर फाइंड आउट करिए आप लोग, आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, हैंडराइटिंग इतना खराब भी नहीं है ना। अगर टी का मतलब होता है इनटू, यू का मतलब होता है माइनस, वी का मतलब होता है डिवाइड और डब्ल्यू का मतलब होता है प्लस, तो आपको वैल्यू निकालना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन का। ठीक है, ट्राई करो सब कोई। सॉल्व करें, ब्रैकेट पहले पता है ना, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो चलो हम लोग पहले इसको रिप्लेस करते हैं, पहले क्या करेंगे इसको, पहले हम लोग रिप्लेस करते हैं। चलो
50 v के बदले क्या आएगा, डिवाइडेड बाई आएगा, w के बदले क्या आएगा, w के बदले प्लस आएगा, और 28 t के बदले क्या आएगा, इंटू 4। तो चलो पहले ये वाला काम करो, 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 25, 28 इंटू 4 क्या होता है, 112 यही होता है। और 112 प्लस 25 अगर आप कर दोगे 137 आएगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल था ये तो, सिंपल था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दें आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो आप लोग। इफ पी स्टैंड्स फॉर माइनस क्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई R stands for division, and S stands for addition, then what is the value of given equation? फोर्टीन क्यू थ्री पी ट्वेल्व एस फोर आर टू, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन अगर मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखूं तो एक ऑप्शन है 17, एक है 32, एक है 28 और एक है 6, ये आपके ऑप्शंस हैं। सारे कोई सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिया हुआ है क्या आप लोग इसको सॉल्व करके बता सकते हो? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, ठीक है, इस टाइप का कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और उस एक्सप्रेशन में आपको जो भी चीज दिया हुआ है उसके लिए बता देगा ऊपर क्वेश्चन में कि अगर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो वो एक्सप्रेशन का जो लिखा हुआ है आपको टर्म्स उसका क्या मतलब होगा, क्या होगा। तो आपको पहले साइन को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। कोई सीधा एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व मत कर देना, फिर ऊपर वाला लाइन का दिया हुआ मतलब क्या है, समझ पा रहे हो ना। आंसर बताओ क्या आया, जो भी पहला तीन क्लास को मिस किया है मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर वो क्लास को देखना, क्योंकि बॉडमास का जो बेस है ना वो वहीं पे मैंने वहां पे डील किया है। डायरेक्ट ये सब मैं चाहता तो करवा सकता था, पर छोटा छोटा जो चीज लैकिंग रहता है वो कैसे सॉल्व होगा, वो हर बार दिक्कत क्रिएट करता है और बहुत बेसिक होता है बॉडमास मैथ्स के टर्म्स में भी अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो अगर क्लियर ही नहीं होगा तो फिर कैसे आगे कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्यू के बदले क्या दिया जाएगा, इनटू पी के बदले क्या दिया जाएगा, माइनस एस के बदले क्या दिया जाएगा, प्लस, और आर के बदले क्या दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई।
एक एक्सप्रेशन है, बस एक्सप्रेशन को चेंज किया और मैंने साइन को चेंज करके फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया। क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, बाद बाकी को साथ में लिख दो, ठीक है। अच्छा, कोई अगर स्टेप खाना चाहता है तो खा भी सकता है, ऐसा कोई मनाही वाला बात नहीं है। अब पहले क्या होगा, इनटू होगा, अब क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस में क्या करोगे, 42 के आगे प्लस है, जिसके जिसके आगे प्लस है उसको एक जगह लेके आ जाओ, माइनस वाला को एक जगह लेके आ जाओ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 42 प्लस 2 माइनस 12, तो 42 प्लस 2 क्या होता है, 44। 44 में से 12 घटाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बड़ा सिंपल है, वैल्यू पुट किया साइन चेंज करके, फिर आंसर फाइंड आउट कर दिया एक एक मतलब बॉर्ड मास के हिसाब से। क्लियर है, समझ में आया, कोई हार्ड है, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना, ठीक है, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे टाइप टू एंड होता है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब जो है ना बॉर्ड मास का क्वेश्चंस में आपको दिक्कत अब है, वो मिनिमाइज हो जाएगा एकदम, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, दिक्कत अब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला 3 क्लास में हमने काफी बेसिक्स के ऊपर इसका काम किया है, छोटा छोटा एडवांस लेवल हर चीज, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन टाइप 3 में आते हैं, टाइप टाइप 3, और ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में। देखो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके नहीं आएगा कि ये टाइप 1 से पूछ रहा हूं, ये टाइप 2 से पूछ रहा हूं, मैं अलग एक जैसे ही पैटर्न चेंज होता है ना तो उसका टाइप को मैं चेंज कर देता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन आप देखो अब चेंज हो गया है। अब देखना यहां पे, पहले क्वेश्चन आप लोग लिखते जाया करो साथ में, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस, स्टेटेड अकॉर्डिंगली टू द फॉलोइंग सिंबल्स, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन, विच इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको यहां पे बता दिया गया है कि माइनस जो है वो डिवीजन के लिए यूज करना है, जहां माइनस आएगा वहां डिवीजन कर दो, जहां प्लस आएगा उसको रिप्लेस करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, जहां डिवीजन का साइन रहेगा उसको रिप्लेस करके सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दो, जहां मल्टीप्लीकेशन रहेगा वहां एडिशन कर दो, और आपको बताना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो ये आप लोग पहले यहां पे कॉपी कर लो, ताकि क्या है फिर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको यहां पे कॉपी कर लो, ताकि फिर मैं क्या ये, क्योंकि आएगा नहीं क्वेश्चन चारों आएगा नहीं और फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो पॉज करके एक बार। ठीक है, ये मतलब ये सेम रहे, ये मतलब अब जो है नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसमें ये ऊपर का लाइन सेम रहेगा, ठीक है। तो आगे अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आपके सामने क्या है, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपको चार इक्वेशन जैसे सपोज दिया हुआ है, ठीक है, 18 प्लस 14 माइनस 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है 16 इंटू 14 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस 24 दिया हुआ है। थर्ड आपके सामने एक एक्सप्रेशन ऐसे रख दिया, 24 माइनस 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 18 इक्वल्स टू 26। और फोर्थ आपके सामने एक्सप्रेशन रख दिया, 18 डिवाइडेड बाई 16
प्लस 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 24। तो आपको क्या बोला, सबसे पहले तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं क्वेश्चन में बोला क्या था। आपको यह बता दिया गया था कि जहां पे भी माइनस आएगा उसके जगह में आपको क्या लिखना है, डिवीजन लिखना है। ठीक है, जहां एडिशन का साइन दिया हुआ रहेगा उसके जगह में आपको क्या यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। जहां पे डिवीजन का साइन दिया हुआ रहेगा उसके जगह में एक्सप्रेशंस में वहां पे उसके जगह में आपको सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करना है, और जहां मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया हुआ रहेगा उसके जगह में आपको क्या करना है, एडिशन का साइन यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यह बताना है कि जब आप रिप्लेस कर दोगे इन सारे साइंस को तो कौन सा एक्सप्रेशन आपका फिट बैठेगा, कौन सा एक्सप्रेशन आपका करेक्ट होगा, वो आपको यहां पे बताना था। ठीक है, अब मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप पहले के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ रहता था, पहले के क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ रहता था बस इतना बता देता था किसके बदले में कौन सा साइन यूज करना है, और एक एक्सप्रेशन को आप खाली सॉल्व करते थे, एक एक्सप्रेशन को, है ना, फटाफट वैल्यू पुट करते थे साइन चेंज करके, आंसर निकाल देते थे बॉडमास रूल के हिसाब से। अब सवाल यहां पे ये आ रहा है कि जब आपको चार चार ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए तब आप साइन चेंज करके एक एक एक्सप्रेशन में जब आप पुट करके बॉडमास के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करोगे कि क्या वो एक्सप्रेशन सही है कि गलत है, तो उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे साइन चेंज करके, फिर दूसरे को चेंज करके फिर सॉल्व करोगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट वे। ठीक है, तो मैं जो आपको अब शॉर्टकट बताने जा रहा हूं वो समझ लो बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। कैसे, अब ध्यान से दो मिनट मेरे बात को सुनना। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सपोज मान लो मैं आपको दो नंबर दे रहा हूं, एक मैं आपको दे रहा हूं 18 और एक मैं आपको दे रहा हूं 18 नहीं करके एक काम करते हैं कोई भी नंबर, 18 भी कर सकते थे, मैं आपको दे रहा हूं 11 और 2 दे रहा हूं, कोई भी दो नंबर ले लो रैंडम। मैं आपको दो नंबर दे रहा हूं, एक ले रहा हूं मैं 11 और एक ले रहा हूं मैं 2। अब आप इन दो नंबरों के साथ क्या आसानी से कर सकते हो, आप आराम से 11 प्लस 2 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 13, आप आराम से 11 माइनस 2 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9, आप आराम से 11 इंटू 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। तो सवाल यहां पे ये आता है कि आपको मैं कोई भी दो नंबर दे दूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड में कौन सा आसानी से हर एक नंबर के साथ हो जाता है, तो आप मेरे को आंसर करते हो कि सर कोई भी दो नंबर में अगर मैं प्लस करूं या दो नंबरों को आपस में माइनस करूं या दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये तीन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हर एक नंबर के साथ पॉसिबल होता है, हो जाता है हर दो नंबर के साथ, राइट। पर अगर मैं आपको बात करूं, आपसे मैं ये बात करूं कि अब आप 11 डिवाइडेड बाई 2 करो तो पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा या फ्रैक्शन बन जाएगा, दैट इज 11 बाई 2 या फिर 5.5 यही बनेगा। पर ये पूरा पूरा परफेक्टली सॉल्व तो नहीं हुआ ना, पूरा पूरा पूर्णांक तो नहीं बनाना, इंटीजर तो नहीं बनाना, है ना। इंटीजर क्या होता है, पूरा सॉल्व हो जाए। राइट साइड में देखो यहां पे 12 दिया हुआ है, माइनस 24 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, पर आपका ना तो फ्रैक्शन है ना डेसिमल है, ना फ्रैक्शन है ना डेसिमल है, पूरा पूरा सॉल्व हो के आपका आंसर आ रहा है, राइट। तो कोई भी दो नंबर में अगर आप प्लस का साइन यूज करते हो या माइनस का या मल्टीप्लीकेशन का तो वो आराम से जो है दो नंबर सॉल्व हो जाता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि दो नंबरों को आप आपस में डिवाइड कर दो तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बन सकता है कि हाँ दो नंबर आपस में डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चीज का तो गारंटी है कि दो नंबर आपस में ऐड हो सकता है, दो नंबर आपस में
माइनस हो सकता है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, पर डिवीजन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपका वो दो नंबर के ऊपर। कहने का मतलब प्रिसाइज अगर इसको करें तो डिवीजन जो है वो हर एक नंबरों के साथ नहीं पॉसिबल है, है ना, हर एक नंबर के साथ पॉसिबल नहीं होता है डिवीजन होना। तो मैं यही बता रहा हूं कि सेंस डिवीजन हर एक नंबरों के साथ पॉसिबल नहीं होता है करना, तो इसका मतलब जो है वो है डिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, क्यों प्ले करेगा? अब देखो यहां पे ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे इक्वल टू के बाद में अगर फोकस करोगे इक्वल टू के बाद में, तो यहां पे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आपको 12 दिखा, यहां पे आपको माइनस 24 दिखा, यहां पे आपको 26 दिख रहा है और यहां पे 24 दिख रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव वो बात का बात है, लेकिन आपको यहां पे इक्वल टू के बाद में जो भी दिख रहा है ये क्या है, ये एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है, ना ये फ्रैक्शन है ना ये डेसिमल है, ये एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। कहने का मतलब जो LHS यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप अगर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तभी तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर दे दिया, समझ पा रहे हो, पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है। अब आप कोई भी दो नंबर को आपस में ऐड कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा, लेकिन डिवाइड सबके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है डिवीजन। तो आप क्या करोगे यहां पे, सिंस डिवीजन सबके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इस केस में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वो डिवीजन वाला पे फोकस करना पड़ेगा, डिवीजन वाला पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, पहले ये फोकस करोगे आप कि डिवीजन कहां पे आ रहा है, साइन चेंज करने के बाद ही डिवीजन यूज करना है, साइन चेंज करने के बाद ही ना देखोगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन अभी आपको दिया हुआ है ये तो फाइनल नहीं है, इसमें तो पहले साइन चेंज करना था। अब एक एक में साइन चेंज करोगे फिर चेक करोगे तो वो टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हो, खाली कौन सा वाला डिवीजन बन जाएगा साइन चेंज होने के बाद, कौन सा वाला डिवीजन बन जाएगा, क्योंकि हम लोग साइन चेंज करने के बाद ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगते हैं, तो आपको ये चीज देखना है कौन सा वाला साइन के बदले डिवीजन का साइन आना चाहिए, माइनस वाला के बदले साइन आना चाहिए ना, माइनस वाला के बदले, तो आप इस माइनस वाला के ऊपर फोकस करो, ठीक है, माइनस वाला के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो साइन चेंज होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में ये 14 माइनस 24 मतलब 14 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, जब आप 14 डिवाइडेड बाई 24 करोगे, 14 डिवाइडेड बाई 24 करोगे, तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है? जब ये पूरा पूरा कट नहीं पा रहा है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कैसे आपका इंटीजर आएगा, कैसे पूर्णांक आएगा, पूरा पूरा तो कट ही नहीं पा रहा है, या तो फ्रैक्शन या डेसिमल में होगा, तो इसका मतलब इसका ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पूर्णांक, वो दिया हुआ है एक इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप 14 डिवाइडेड बाई 24 कर दोगे और इंटीजर दिया हुआ है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा उसमें डिवीजन पूरा पूरा होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये तो हर एक नंबर के साथ पॉसिबल होता है। मैटर ये करता है कि डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर डिवाइड पूरा पूरी नहीं जाएगा तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में पूर्णांक आना पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। तो इसी वजह से जब आप 14 डिवाइडेड बाई 24 किया आपने, तो आपने ये पाया कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, या तो फ्रैक्शन या डेसिमल, और अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में आ रहा है आपका आंसर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के टाइम पे, तो इक्वल टू के बाद में भी जो आपका रिजल्टिंग फिगर आएगा, जो आपका आंसर आएगा,
फ्रैक्शन या डेसिमल में ही तो आएगा, पूरा पूरा तो कट नहीं पाएगा, तो ये आपका आंसर जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड वाला को मैं चेक करता हूं, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला भी तो वही वाला चीज है, 14 माइनस माइनस के बदले में डिवाइड हो रहा है ना। अब मैं किसमें साइन चेंज हो रहा है, मैं उसको क्यों देख रहा हूं? उसको इसलिए देख रहा हूं मेरे भाई क्योंकि आप पहले साइन चेंज करते हो, उसके बाद ही ना एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो। तो आप ये चीज चेक करो कि डिवाइड कब बन रहा है, कौन सा वाला साइन चेंज होके डिवाइड बन रहा है, उसको आपको चेक करना है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो मतलब आप उसको पहले प्रायोरिटी में रखोगे, ठीक है। नहीं जा रहा है और अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब जैसे यहां पे देख लो, माइनस चेंज होके डिवाइड में होगा ना। अब आप इसको देखोगे, अगर 24 माइनस 12 मतलब 24 इन शॉर्ट साइन चेंज होने के बाद डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 24 डिवाइडेड बाई 12 क्या ये पूरा पूरा जा रहा है क्या? हाँ जी, ये पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखूंगा, इसको मैं चेक करूंगा, ठीक है। लास्ट वाला को भी देखो आप, लास्ट वाला में माइनस का साइन ही नहीं है तो डिवाइड का कोई चीज होना पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले इस थर्ड वाले को चेक करो, थर्ड वाला मोस्ट प्रोबेबली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड वाला सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद आप फोर्थ वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे क्योंकि वहां पे भी डिवाइड होने का कोई झमेला नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आप लोग अभी पहले थर्ड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, फर्स्ट सेकेंड क्यों नहीं हो सकता है वो क्लियर हुआ। चलो तो थर्ड वाले को मैं चेक करके देखता हूं, 24 माइनस के बदले क्या आना चाहिए बताओ तो। 24 माइनस के बदले 24 डिवाइडेड बाई 12, प्लस के बदले क्या आएगा इनटू 12, डिवाइड के बदले क्या आएगा माइनस 16 और इनटू के बदले क्या आएगा प्लस 18। अब चेक करो तो क्या ये 26 आ रहा है क्या सॉल्व करने के बाद? तो पहले डिवाइड करोगे, 24 बाई 12 क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 12 माइनस 16 प्लस 18 करना है और आपको चेक करना है कि क्या वो 26 आ रहा है क्या। तो 24 प्लस 18 माइनस 16, जब आप इसको करोगे 42 में से 16 को घटाओगे तो 26, ये आपका करेक्ट आंसर फिट बैठ रहा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। अब देखा ये कितना इजी हो गया, अगर यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे कि दिस बिकम्स दिस, दिस बिकम्स दिस, दिस बिकम्स दिस एंड दिस साइन बिकम्स दिस, उसके बाद चार एक्सप्रेशन आपको दे दे कि साइन चेंज करो, एक एक को सॉल्व करके देखो एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे क्या, बहुत टाइम लगेगा। एक एक को सॉल्व करने बैठोगे तो एक ही क्वेश्चन में आपका 15-20 मिनट खा सकता है, हो सकता है 10 मिनट खा जाए, कोई बहुत स्पीड करेगा तो 5 मिनट तो खा ही जाएगा, जो कि बहुत मतलब समझ लो तबाही वाला बात है। समझ पा रहे हो? तो जहां पे रीजनिंग का पेपर आपका 10-12 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए, उस केस में अगर आपका 5 मिनट एक क्वेश्चन खा रहा है उसके बाद तो तबाही है, ठीक है। सो इस वजह से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या मैं बोला टोटल, ये आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इसी को बोलते हैं रीजनिंग का स्किल या रीजनिंग के एबिलिटीज को टेस्ट करना। ये आपका रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट कर रहा है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समझ पा रहे हो? चलो तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ था, आपको एक दो लाइन दिया हुआ था, उसके बाद आपको बोला कि अगर माइनस का साइन चेंज होके डिवाइड हो जाता है, प्लस का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड का साइन चेंज होके माइनस हो जाता है और इनटू का साइन चेंज होके प्लस हो जाता है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है। चार एक्सप्रेशन आपके सामने दे दिया, बोला साइन चेंज करो और बताओ कौन सा एक्सप्रेशन को साइन चेंज करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो वो सही हो जाएगा, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो जाएगा। तो आप कोई बच्चे जो पढ़े हुए नहीं थे ये क्लास में, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो एक एक साइन को देखते गए और सॉल्व करते गए। जिन लोगों ने थोड़ा सा अटेंटिवली क्लास में ध्यान दिया वो क्या किए, वो समझ गए कि मेरे को पहले साइन चेंज करना है, अब चारों एक्सप्रेशन में हर एक साइन को चेंज करके सॉल्व करूंगा तो रात हो जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे को ये चीज देखना है, मेरे को ये चीज पता भी है, क्या पता है
कि कोई भी दो नंबर अगर मैं दे देता हूं, कोई भी दो नंबर अगर मैं दे देता हूं तो उसके साथ क्या क्या चीज होना पॉसिबल है। कोई भी दो नंबर इस दुनिया का, कोई भी दो नंबर के साथ आप प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत आएगा? क्या कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर अगर मैं 18 में 4 का भाग लगाता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं 18 को, तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा है क्या? नहीं, हर एक नंबर में, हर एक दो नंबर जो आपको गिवन है उसमें प्लस माइनस इनटू पॉसिबल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवाइड हर एक नंबर के साथ नहीं हो पाता है। तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले करता है एक एक्सप्रेशन में, वो आपका होता है डिवाइड होना, कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप यहां पे देखो, इक्वल टू के बाद में क्या दिया हुआ है? एक पूर्णांक दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैटर नहीं करता है, पर वो फ्रैक्शन तो नहीं है ना, पर वो डेसिमल में तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो पूर्णांक, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है? इसका मतलब जो आपका लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन में सॉल्व हुआ है वो पूरा पूरी डिवाइड होके अच्छे से सॉल्व हुआ होगा, तभी ना फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर नहीं आएगा आपका। अगर एक एक्सप्रेशन में आप अगर पूरा पूरा अच्छे से कट पिट के सॉल्व हो रहा है, तभी तो इक्वल टू के बाद आपका डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। अगर एक्सप्रेशन में ही आपका प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व होने में, डिवाइड पूरा नहीं जा रहा है, आंसर भी आपका पॉइंट में आएगा, आंसर भी आपका फ्रैक्शन में आएगा। समझ पा रहे हो? तो डिवीजन प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन सॉल्विंग एक्सप्रेशंस, राइट? तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? आपका सिंपल सा मतलब ये होगा, आप ये चीज चेक करोगे कि कौन सा साइन को चेंज करने के बाद डिवीजन का साइन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आपको ये बात मालूम चल गया कि माइनस बाद में डिवीजन बन जाएगा, तो आप माइनस वाले में फोकस करो। 14 माइनस 4 आपको दिया हुआ था, ये आपका चेंज होने के बाद बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 4। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 14 डिवाइडेड बाई 4 इजिली कट जाता है क्या? परफेक्टली डिविजिबल है क्या 4 से 14? नहीं है। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इक्वल टू के बाद में इंटीजर दिया हुआ है, पूर्णांक दिया हुआ है, कंप्लीटली डिविजिबल वाला नंबर दिया हुआ है। तो कैसे आपका 14 डिवाइडेड बाई 4 में जब फ्रैक्शन बच रहा है तो कैसे आंसर आएगा 12? नहीं आएगा। फिर अगेन ये वाला तो सेम ही था, 14 डिवाइडेड बाय 24, तो ये भी आपका नहीं होगा। समझ पाए क्यों नहीं होगा? अब नेक्स्ट चलते हैं, माइनस डिवाइड बन रहा है, तो अब यहां पे देखो 12 और 24 को देखो, क्या 24 से 12 पूरा पूरी जाता है? आपने बोला हाँ सर जाता है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे 24 से तो जाएगा। तो अब मैं इसको प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 में रखूंगा, रखा मैं इसी को सॉल्व करूंगा, खाली ऊपर वाला 2 को नहीं करूंगा, और लास्ट वाला में कहीं माइनस नहीं था। तो अगर मान लो ये वाला थर्ड वाला नहीं जाता है, तब मैं चौथे वाले को सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो अब थर्ड वाला को जब मैंने यहां पे सॉल्व किया, 24 माइनस 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 18, तो मेरे को ये चीज चेक करना है साइन चेंज करने के बाद, 24 माइनस बिकम्स डिवाइड, प्लस बिकम्स इंटू, डिवाइड बिकम्स माइनस एंड इंटू बिकम्स प्लस, यही होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ऊपर वाला से मतलब नहीं है, साइन चेंज हो चुका है, तो अब आपके लिए ये जो है वे पराया आदमी बन चुका है, ठीक है? अब आप इस पे काम करो। कैसे काम करोगे? 24 पहले डिवाइड होगा, 24 डिवाइडेड बाय 12 क्या होता है? 2, 2 इंटू 12 माइनस 16 प्लस 18, 24 प्लस 18 माइनस 16 अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है 26 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 100 में से 95 क्वेश्चन में ये ट्रिक काम कर जाता है, 5% में ये ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है? पर 5% में आप छटाई जरूर कर सकते हो, ऑप्शन में छांट सकते हो, ऑप्शन से, ऑप्शन के अंदर। आगे देखेंगे हम लोग कैसे होगा, ठीक है? इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको तो मैं इरेज करके आप लोग के साथ एक और क्वेश्चन डील करूं, ठीक है? टू मेक एवरीथिंग क्लियर, और वो जो होगा इस क्वेश्चन का, आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? पर मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो जो चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं उसको आप हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि जो भी चीज शेयर कर रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि आप इसको आराम से छोड़ सको, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
पूरा नहीं लिख रहा, खाली मैं साइंस आप लोग को दे रहा हूं। माइनस अगर बाद में बदल के क्या बन जाएगा, डिवाइड। उसके बाद प्लस, साइन चेंज होके बाद में क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड बाद में चेंज होके आपका क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन। और इनटू आपका बाद में चेंज होके क्या बन जाएगा, एडिशन। तो आपको ये वाला चीज अगर आपको बता दिया जाएगा, अगर आपको ये वाला चीज बता दिया जाएगा तो आपको चार एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 19 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1। दूसरा आपके सामने यहां पे ये बताया है 19 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या, 16। ठीक है, थर्ड आपके साथ क्या बता दिया, 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 13। और चौथा आपके साथ यहां पे क्या बता दिया, 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 20। अब आपको यह बताना है कौन सा वाला एक्सप्रेशन आपके हिसाब से करेक्ट है साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस कहां पे हो रहा है। चलिए सॉल्व करिए, मैं आता हूं। तो आप लोग को यहां पे ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। कैसे करना है आप ध्यान से देखो। सबसे पहले जो स्टेप आपको चेक करना है वो ये चीज चेक करना है, मैं चेक पॉइंट बता रहा हूं, क्या स्टेप वन है, क्या स्टेप टू है, क्या स्टेप थ्री है, क्या स्टेप फोर है। कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन को डिटेल में एक एक साइन को चेंज करने के बाद सॉल्व करने का कोशिश करता है, तबाही कर दोगे एग्जाम का। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा। सॉल्व तो हो जाएगा पर टाइम कंज्यूम होगा। पर इसका शॉर्टकट तरीका क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, आप ये चीज चेक करोगे कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है।
रिजल्टिंग फिगर आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपका इक्वल टू के बाद क्या आंसर निकल के आ रहा है? तो आपने बोला सर यहां पे इंटीजर आ रहा है, इंटीजर मतलब प्रॉपर आपका आंसर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, कोई भी डेसिमल नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो आपने ये पाया। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं है, इंटीजर है, प्रॉपर पूर्णांक है, तो आपको ये चीज का आइडिया लग गया होगा कि मैं जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहा हूं उसमें अच्छे से बिना कोई दिक्कत के सॉल्व हुआ होगा, तब आपका आंसर वो आना पॉसिबल है। दिक्कत मतलब इन द सेंस ऑफ व्हाट? देखो, कोई भी दो नंबर मैं देता हूं उसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन आराम से कर पाते हो, डिवाइड हर एक नंबर के साथ नहीं हो पाता है, और इसी वजह से डिवाइड जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक एक्सप्रेशन के अंदर। या तो डिवाइड से आपका एक्सप्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा, और अगर डिवाइड आपका नहीं गया डिवाइड करने के बाद नंबर्स, तो आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ पा रहे हो? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिमाग में ध्यान रखना है कि डिवाइड जो हो रहा है वो प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब, पहले तो आप साइन चेंज करो, कौन सा वाला साइन बाद में जाके डिवीजन वाला साइन बन जाएगा। तो आपने बोला माइनस जाके डिवीजन हो जाएगा, माइनस जाके बाद में डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मैंने देखा 5-4, ये बाद में जाके डिवीजन का रूप लेगा 5/4। तो आप मेरे को बताओ 5/4 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आप यहां पे देखें माइनस, ये भी सेम था 5/4, ये भी नहीं जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर आप यहां पे एक चीज देखो, क्या 4/2 अगर आप करते हो तो क्या ये पूर्णांक होता है, क्या मतलब परफेक्टली डिविजिबल होता है क्या? तो आपने बोला हां जी होता है, चलो इसको मैं प्रायोरिटी नंबर 1 में रखूंगा, और नीचे वाले में कुछ हो नहीं रहा है तो नीचे वाला जो है मैं उसके बाद सॉल्व करूंगा अगर थर्ड वाला एक्सप्रेशन में आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 19 डिवाइड के बदले क्या हो जाएगा? -5। प्लस के बदले क्या हो जाएगा? -4। माइनस के बदले क्या हो जाएगा? -2। और इंटू के बदले क्या हो जाएगा? इंटू के बदले हो जाएगा +4। सॉल्व करो इसको। सॉल्व जब मैंने आपका यहां पे किया तो पहले ये वाला सॉल्व हुआ, 4/2 = 2, 2 × 5 - 19 + 4। तो 5 × 2 पहले सॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है। तो 5 × 2 क्या होता है? 10। 10 - 19 + 4, तो 19 + 4 क्या हो जाएगा? 19 + 4 23। 23 - 10 क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर आएगा 13। ये आपका आंसर क्या आएगा? 13। सो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। बताओ क्लियर है, समझ में आया? ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर आपका 95% क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व हो जाता है। जिसमें नहीं होता है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा। बहुत ही डिटेल्ड वे में आई होप कि मैं बोर्ड मास को आपके साथ लेके जा रहा हूं, बोथ आपका मैथ्स में हेल्प हो जाए, बोथ आपका यहां पे रीजनिंग में हेल्प हो जाए। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन नहीं है, पर आप लोग को तरीके से पेशेंस रखना पड़ेगा। बाद बाकी चैप्टर्स का वीडियो भी देख सकते हो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लेना, प्लेलिस्ट में जाना, लाइन से चैप्टर्स आपके साथ डील कराया जा रहा है एज एंड व्हेन आई एम गेटिंग टाइम। तो 12 से 13 चैप्टर 14 चैप्टर जैसा हो चुका है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत डिटेल में करवा रहा हूं, आप लोग इनके वीडियोस को जरूर देखो, जहां दिक्कत आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो सर यहां दिक्कत आ रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लूंगा, नंबर्स भी मैं प्रोवाइड करते ही रहता हूं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।